नंबर एक, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। नंबर दो, ज्योतिर्लिंग का मुख दक्षिण की तरफ होने पर इसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है। नंबर तीन पर महाकालेश्वर मंदिर 5 तलों में बना हुआ है, जिसमें से एक तल मंदिर के नीचे भी है। नंबर चार पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के तल के ऊपर ओंकारेश्वर और उसके ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नंबर पांच पर हर साल महाशिवरात्रि के दिन यहां बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसकी रौनक पूरी रात बनी रहती है। नंबर छह पर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को मुगल शासक इल्तुतमिश ने अपने आक्रमण के दौरान लूटपाट करने के उद्देश्य से नष्ट कर दिया था। नंबर सात पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का वर्तमान प्रांगण साल 1736 के आसपास रानोजी सिंधिया ने बनवाया था। साल 1886 में जयाजीराव सिंधिया ने इस मंदिर प्रांगण में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए थे। नंबर आठ पर स्वतंत्रता के पश्चात इस ज्योतिर्लिंग की देखभाल की जिम्मेदारी देवस्थान ट्रस्ट से उज्जैन की नगर निगम संस्था के पास चली गई। नंबर नौ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के तीसरे तल में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। नंबर दस पर लोक कहानियों के अनुसार नाग पंचमी के दिन यहां स्वयं नागराज तक्षक मौजूद रहते हैं।